नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा ओमिक्रॉन से बचाव की रणनीति। नए वेरिएंट की पहचान के लिए राज्य में इस समय मशीन नहीं। नमस्कार, मैं हूं दिव्या रानी और आप देख रहे हैं जीएन भारत। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स में इलाज की लचर व्यवस्था व कोरोना संक्रमण को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सरकार से जानना चाहा कि ओमिक्रॉन से बचाव के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तैयारियों को लेकर स्पष्ट जवाब नहीं मिलने पर खंडपीठ ने पूछा कि झारखंड में जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन क्या तब आएगी जब ओमिक्रॉन हाहाकार मचा कर चला जाएगा। कोर्ट ने कहा कोरोना संक्रमित का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हेलीकॉप्टर से भुवनेश्वर भेजा जाता है, ऐसे में जांच रिपोर्ट आने में विलंब होती है। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा। वहीं याचिका पर सुनवाई के दौरान रिम्स निदेशक के वर्चुअल उपस्थिति नहीं रहने पर खंडपीठ ने नाराजगी जताई। वहीं दो जीनोम मशीन खरीदने की चल रही है प्रक्रिया, प्रक्रिया में लगभग एक महीने का समय लग सकता है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने कहा कि जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन काफी महंगी आती है और इसे सीमित कंपनियां ही बनाती हैं। हमारा प्रयास है कि एक महीने के अंदर इस मशीन को मंगा लिया जाए, एक मशीन रिम्स के लिए और एक मशीन जमशेदपुर के मेडिकल कॉलेज के लिए। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।